सोसाइटी ऑफ गैंगस्ट्रोएंट्रोलॉजी द्वारा डोरंडा के शौर्य सभागार में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई। कॉन्फ्रेंस में झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से पेट व लीवर के सैकड़ों स्पेशलिस्ट भाग ले रहे हैं। पहले दिन 20 से ज़्यादा टॉपिक पर विभिन्न बीमारियों को लेकर डॉक्टरों ने अपने प्रेजेंटेशन दिए। हर प्रेजेंटेशन के बाद पैनल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें ये बातें सामने आई कि खुद से दवा लेना और लाइफस्टाइल में बदलाव हमारे लिए कितना घातक साबित हो रहा है। गैस समझकर जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें गंभीर बीमारियां चपेट में ले रही है। इतना ही नहीं, लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण ज़्यादातर लोग फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। एक जो OPD में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका प्रोफाइल अलग होता है, और जो पेशेंट वार्ड में भर्ती के लिए आते हैं उनका प्रोफाइल अलग होता है। जो OPD में पेशेंट आते हैं उसमें मेनली जो प्रॉब्लम्स, जो पेशेंट की भाषा में अगर कहें तो कई बार पेशेंट पेट में दर्द लेकर के आते हैं, पेट में बताते हैं कि पेट फुला फुला सा अगर रहता है, विंड ठीक से पास नहीं होता है, डिसकंफर्ट सा फील होता है, कई बार लोग वजन बढ़ने की शिकायत लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो इस तरह की भी प्रॉब्लम है, अगर डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कई बार जो आजकल काफ़ी बढ़ रही है उसमें एक फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि फैटी लीवर जस्ट एक प्रॉब्लम नहीं है कि फैट का डिपोजिशन लीवर में हो गया, ये एक तरह का वार्निंग साइन है जो आपको बताती है कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम से आप गुजर सकते हैं। इसमें अगर जिसको फैटी लीवर होती है तो उसमें उसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें किसी को डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली ऐसे पेशेंट का बॉडी वेट या तो ज़्यादा होता है या फिर ज़्यादा नहीं भी हो तो उसमें भी कई तरह की इश्यू होती है। जैसे किसी को देखेंगे कि बॉडी ठीक है बट पेट निकला हुआ है, तो जो उसको विसरल एडिपोसिटी कहते हैं, जिसमें कि पेट में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा, वो एक ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अगर बॉडी के दूसरे हिस्सों में जिसको सब क्यूटेनियस फैट डिपोजिशन कहते हैं उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना कि केवल पेट में जिसमें फैट का डिपोजिशन होता है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उससे बचाव के लिए अभी जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और क्या करना, एक्सरसाइज एंड लो फैट डाइट करना चाहिए, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी ऑफ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक बार में काफ़ी हैवी मील लेंगे तो भारी भारी सही लगेगा। मील के बाद 20 मिनट का कम से कम लाइट वॉक करें और प्रतिदिन 45 मिनट से 1 घंटे का ब्रिस्क वॉक करें, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। सर, अभी देखा जाता है कि लोग गैस की समस्या मतलब आमतौर पर समझ लेते हैं, पेट दर्द हुआ या बर्निंग सेंसेशन आया तो उसको समझ लेते हैं गैस है, तो उसको मतलब कितना वो सीरियस हो सकता है अगर वो लंबे समय तक। देखिए, अभी जैसा मैंने बताया कि पेशेंट के पर्सपेक्टिव से वो केवल गैस है, लेकिन डॉक्टर उसमें कई सारी चीज़ों को देखते हैं। वो देखते हैं कि ये क्या है, सिंपल सामान्य दिनचर्या की प्रॉब्लम है या साथ में अंदर में कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है ना। कई बार अगर मान लो कि गैस के साथ है लेकिन साथ में उसमें खून की कमी आती है या वेट लॉस हो रहा होता है या फिर रात में भी जब पेशेंट सोया हुआ रहता है पर्सन, उसमें उसको प्रॉब्लम करता है, अगर इन चीज़ों का प्रेजेंस हो तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पेशेंट को अंदर में कोई सीरियस बीमारी है और इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप सामान्य दिनचर्या में परिवर्तन या फिर किसी को आप जैसे किसी को जलन की प्रॉब्लम है उसको पेट में, तो उसको एच पायलोरी नाम का एक इन्फेक्शन हो सकता है जो कि पेट को इन्फेक्ट करता है, आप उसका टेस्ट करें, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको ट्रीट करें, अगर एच पायलोरी निगेटिव आता है तो किसी को सामान्य आप प्रोकाइनेटिक मेडिसिन है या फिर PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, इसको आप दे सकते हैं और उसका असर देख सकते हैं 4-6 से 8 हफ्ते तक। अगर पेशेंट
उसके रिस्पॉन्ड करता है तो फिर उसको आप बाद में देखें कि दवा छोड़ने के बाद कितना रिकरेंस होता है। अगर पेशेंट का रिकरेंस ऑन एंड ऑफ है, कभी कभार है, तो ऑन डिमांड थेरेपी पर रख सकते हैं इन एडिशन टू लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अदरवाइज फिर से उसको इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ेगा कि कहीं कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम तो नहीं। सर, गैस की दवा जो लोग खुद से लेके खा लेते हैं वो कितना मतलब सही है? वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कई बार वो कभी सीरियस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जब वो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है तब उसको आप उसको उस समय उतने अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते जितना आप उसको अर्ली स्टेज में कर सकते। फैटी लीवर आजकल उन्हें पहले लीवर की बीमारी में मेन हम लोग समझते थे अल्कोहल यानी कि शराब के नशे, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब समझते थे। लेकिन जब से हमारा समाज पूरा ग्लोबलाइज हो गया, मैंने अब कोई ऐसा नहीं है कि लोग एक ही जगह रहते हैं, कहीं के लोग कहीं रहते हैं, हम लोग हमारे लोग बाहर अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के लोग इंडिया में रहते हैं, अलग अलग जगह गांव के लोग शहरों में रहते हैं, तो सबका जो लाइफ स्टाइल है उसमें पिछले 15-20 साल में आमूलचूल परिवर्तन आया। तो हमारा जीन जो है वो तो रह गया इंडियन, लेकिन हम लोग बन गए हैं वेस्टर्न, अमेरिकन बन गए हैं, तो इसलिए हमारा खाना पीना भी वैसा हो गया, फास्ट फूड और जंक फूड ये सब पहले हम लोग नहीं खाते थे, लेकिन अब उसके बिना आप चल नहीं सकते। कभी भी आप जोमेटो में फ़ोन कर दिए आ जाओ खाना लेकर के, और आप खुद भी अपने आप को इससे हटा नहीं सकते, बच्चों को भी नहीं रोक सकते, तो नेचुरली हम लोगों का खान पीना बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोगों का कैलोरी इंटेक बहुत बढ़ गया है, और उस हिसाब से हम लोग काम नहीं करते। जैसे आप जब हम लोग बच्चे थे साइकिल से स्कूल जाते थे, लेकिन आपका बच्चा साइकिल से नहीं जाता, बस से जाता होगा, गाड़ी से जाता होगा, तो उसको चलने का उसको ये करने का बहुत कम समय। पहले हम लोग शाम होते ही खेलने जाते थे, अभी बच्चे शाम होते ही मोबाइल देखते हैं, तो हमारा मैंने मानसिक तौर पे हम आगे गए हैं लेकिन फिजिकली हम लोग बहुत कमज़ोर हुए हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि जितना हम खा रहे हैं, जितना हमारा कैलोरी इंटेक है, उतना हम उस कैलोरी को बर्न आउट में उसको जला नहीं रहा, वो हमारे शरीर में जम जा रहा है, जिसके कारण वो हर जगह फैट जम रहा है, और सबसे ज़्यादा वो लीवर। अब आजकल ये भी बताया जा रहा है कि अगर किसी को फैटी लीवर है तो उसको बहुत जल्द ही डायबिटीज, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ये सब होने की संभावना है, दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, खास करके कोविड के बाद से और इसके इंसिडेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। इसलिए इसको रोकने के लिए हम लोगों को सिर्फ डायबिटीज़ को ही रोकने के लिए फैटी लीवर को भी कम करना। तो फैटी लीवर का कौन सा ग्रेड जो है अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि बड़ी बीमारी की तरफ ले जाता है? बहुत अच्छा, फैटी लीवर 3 ग्रेड का होता है, जिसमें जो ग्रेड 3 है वो बाद में जा कर के सिरोसिस यानी कि उसके बाद लीवर पूरा सिकुड़ जाता है और फिर वो नहीं ठीक होता, उसके बाद फिर तरह तरह के प्रॉब्लम, पेट में पानी जमना, जॉन्डिस होना, अल्टीमेटली उसमें फिर लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है।